सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स का इतना तो रोल नहीं होता है, बट जैसे मैंने बताया था, या तो आप डोपामिन को बढ़ा दो या एसिटाइलकोलाइन को कम कर दो। सो सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स बैचलर इन फिजियोथेरेपी बाइपरेडिन प्रोसाइक्लिडिन ट्राइहेक्सीफेनिडाइन, इसको हमेशा कंठस्थ करके याद रखिएगा। दे एक्ट बाय रिड्यूसिंग ऑब्वियसली द अनबैलेंस्ड कोलिनर्जिक एक्टिविटी इन द स्ट्राइटम ऑफ पार्किंसोनियन पेशेंट्स। ओनली ड्रग्स इफेक्टिव इन ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म। ठीक है, किस ड्रग से होती है? फिनोथाइजीन्स, फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स, उसकी वजह से हो सकती है। सियालोरिया इज कंट्रोल्ड बाय देयर पेरिफेरल एक्शन। फिर ट्राईहेक्सीफेनिडाइल इज द मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग, इसका ब्रांड नेम होता है बेंस हेक्सॉल, मोसिडीज बेंस, बेंस हेक्सॉल होता है इसका ब्रांड नेम। देन जीरोस्टोमी और ड्राइनेस ऑफ माउथ कॉज्ड बाय देम कैन एग्रीवेट डेंटल केरीज। ये BDS MDS वालों के कान खड़े हो जाने चाहिए सुन के, कि सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स की वजह से डेंटल केरीज का इंसिडेंस बढ़ सकता है। सो दैट्स ऑल अबाउट पार्किंसंस। बाय।